एवरीवन, वेलकम टू माय शो डाकखाना। आज की जो डाक आई है वो आई है विक्रम चौहान के नाम से और वो चाहते हैं कि हम उनके साथ उनकी रेसिपी शेयर करें जो कि है पनीर बटर मसाला। तो शुरू करते हैं, पहले देखते हैं इंग्रेडिएंट्स। यहाँ मैंने लिया है प्याज, अदरक, लहसुन, हरी इलायची, लौंग, थोड़े से क्रश किए हुए काजू और टमाटर। तो आप बनाना शुरू करते हैं। दो बड़े चम्मच तेल के, और इसमें जाएगा एक चम्मच मक्खन। मक्खन जरूरी है क्योंकि पनीर बटर मसाला बन रहा है तो ऑब्वियस है बटर जरूर जाएगा इसमें। ये हल्का गर्म हो गया है, अब इसमें हम डाल देंगे छोटी इलायची, लौंग, हल्का से सौते कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे ये स्लाइस किए हुए आलू। आप रफली इनको स्लाइस कर सकते हैं बिकॉज बाद में हमें इसका पेस्ट बनाना है तो फाइन चॉपिंग की जरूरत नहीं है इसमें। इसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़े से अदरक लिए हैं, लहसुन मैं ऐसे ही डाल रही हूँ, ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। इसके बाद यहाँ मैं डाल रही हूँ स्लाइस किए हुए टमाटर, ये भी रफली चॉप किए हुए हैं। ये कुछ काजू, मैंने यहाँ 15 पीसेस लिए जिनको मैंने छोटे टुकड़ों में काट दिया था। मैं अभी इसमें नमक नहीं डाल रही हूँ, नमक में बाद में डाल दूंगा, अब इन्हें हम एक बार मिला लेंगे। और अब इसे मैं ढक कर पकने के लिए छोड़ दूंगी 5 मिनट के लिए, और 5 मिनट के बाद जब ये ठंडा हो जाएगा हमें इसकी प्यूरी बना लेना है। तो 5 मिनट के बाद इसे हम देख लेंगे। अब हम चेक कर लेते हैं, ये टमाटर बिल्कुल गल चुका है, अनियंस भी सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इन्हें हम निकाल लेंगे और ठंडा होने के बाद इसकी हम एक अच्छी सी अनियन और टोमेटो की प्यूरी बना लेंगे। अब ये हमने इसका अनियन और टोमेटो का प्यूरी रेडी कर लिया है जिसे मैंने ग्राइंड कर दिया था और इसे छान लिया है। तो ये हमारी प्यूरी रेडी हो चुकी है, अब हम तड़का रेडी कर लेते हैं। अब मैंने सेम वही पैन लिया है, पैन को हल्का गर्म कर लेंगे, इसमें फिर हम डाल देंगे थोड़ा ऑयल और थोड़ा बटर। बटर जरूरी है, ये बटर की ही डिश बना रहे हैं हम। अब इसमें डाल देंगे हम 1 तेज पत्ता, हरी मिर्ची, हल्का सा सौते कर लेंगे, और इसमें अब हम डाल देंगे ये चॉप किया हुआ प्याज। प्याज को हमें हल्का गोल्डन ब्राउन करना है, मीडियम दो रखेंगे और इसे अच्छे से फ्राई कर देंगे। ये जो डिश हम बना रहे हैं पनीर बटर मसाला, इसे पनीर मखनी भी कहा जाता है और ये नॉर्थ इंडियन डिश है, तो जिन्होंने भेजा है वो न्यू दिल्ली से भेजा है ये रेसिपी। और ये हमारे प्याज लाइट पिंकिश हो गए हैं, थोड़ी देर और 1 मिनट के लिए और पका लेंगे।
ये जो डिश हम बना रहे हैं आज, जैसे मैंने अपने सीनियर शेफ्स और बुक्स में पढ़ी है, ये मिड 20th सेंचुरी में इसे क्रिएट किया गया था और फेमस किचन में इसे क्रिएट किया गया था, जिसे मोती महल कहा जाता है, जो कि न्यू दिल्ली में है। उसकी तो बात कुछ ही और है। मेरे जो भी गेस्ट आते हैं, जब भी दिल्ली आते हैं, आई मेक श्योर कि मैं उनको एक बार ही मोती महल जाने के लिए करूँ। और मेरा अगर अभी ट्रिप लगता है तो आई मेक श्योर कि मैं वहाँ जाके एक बार ही एक मील कर दिया खा दिया। तो अब ये प्याज देखिए हमारे बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इनमें हम अपने मसाले डाल देंगे। सबसे पहले मैं डालूंगी नमक, क्योंकि मैंने बताया था मैंने प्योरे में नमक नहीं डाला है, मैं इसी में नमक डालूंगी। आप बाद में नमक एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा इसमें जीरा पाउडर, देगी मिर्च, कश्मीरी देगी मिर्च, सिर्फ कलर के लिए, तीखे पन के लिए नहीं है। अच्छा थोड़ा सा हीट कम कर देंगे। अब इसमें जो मैंने किसमी बनाई थी हम उसे डाल देंगे। ज़्यादा नहीं भूनना, बिकॉज़ प्योरी को हमने ऑलरेडी पका लिया है, तो बस मसालों के साथ हम मिक्स कर देंगे। तो इसमें मैं डाल दूंगी एक कप पानी का। आप पानी अपने हिसाब से डाल सकते हैं, आपको ग्रेवी कितनी थिक चाहिए। पूरी तरह से क्रीम ग्रेवी में अच्छे से मिक्स हो गया। अब जो उसका मेन इंग्रेडिएंट है, अब ये हम इसमें डालेंगे पनीर। पनीर को मैंने यहाँ क्यूब्स में काट के रखे हुए हैं, इसको हम एक एक करके केयरफुली डाल देंगे ताकि पनीर टूटे ना। आप चाहे तो इसे नान, रोटी, जीरा राइस, प्लेन राइस किसी के साथ में सर्व कर सकते हैं। इसे एक बार हम लगा लेंगे और अब इसे लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे, जब तक पनीर इसका सारा मसाला इसमें अच्छे से कोट हो जाए। 5 मिनट के बाद इसे चेक करें। अब इसे आप चेक कर लेते हैं, ग्रेवी बिल्कुल जैसे मैं चाहती थी उतनी थिक बन चुकी है, पनीर पूरी तरह से ग्रेवी में कोट हो चुका है। अब इसे हम गार्निश कर लेंगे। यहाँ पे मैंने कस्तूरी मेथी भून के रखी हुई थी, इसे थोड़ा सा हाथ में लेके क्रश करेंगे और डाल देंगे, और थोड़े से फ्रेश कोरिएंडर लीव्स, इसे हल्का सा हल्के हाथों से मिक्स कर देंगे ताकि हमारे पनीर जो है वो टूटे ना। अब ये बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है, इसे अब हम सर्व करें। अब पनीर को हम सर्व कर लेंगे सर्विंग बोल पर। मैंने ये सर्विंग बोल लिया है, पनीर ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, अब इसे हम निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कितना क्रीमी पनीर बना है, ग्रेवी भी बिल्कुल
सही बनी है और कस्तूरी मेथी की खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। एक टिप बताना चाहूंगी, जब भी आप कस्तूरी मेथी यूज कर रहे हैं तो उसे हल्का सा भून के ठंडा होके क्रश करके डालिए, उसका फ्लेवर बहुत ही डिफरेंट आता है। तो ये रेडी है ऑलमोस्ट हमारे पनीर। अब थोड़ा सा ऊपर से मैं हल्का और फ्रेश धनिया के साथ इसे गार्निश करूंगी। तो ये बनकर रेडी है हमारा पनीर बटर मसाला। ऐसी और इजी रेसिपी जानने के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।